हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नई क्लास। इसका नाम है क्लॉज। क्लॉज के बारे में आपको बताऊंगा और क्लॉज से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, आप अगर वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो एकदम कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लॉज क्लॉज होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं और आप इन्हें कैसे इजिली पहचान सकते हैं क्लॉज होता है, क्योंकि क्लॉज में बहुत से बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहता है। आइए स्टार्ट करते हैं क्लॉज। क्लॉज में देखते होता क्या है, क्लॉज होता है सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को क्लॉज बोलते हैं। अगर आप में कहीं सेंटेंस देखेंगे बड़े से बड़े, तो उसमें आपको ये देखना है कि जितने सब्जेक्ट होंगे उतने वर्ब होगी, जो जितने सब्जेक्ट वर्ब के कॉम्बिनेशन होंगे उन्हीं को हम लोग क्लॉज बोलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि जितने सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन होंगे उन्हीं को हम लोग बोलेंगे क्लॉज। आइए एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। पहला सेंटेंस जैसे लिखा है इसमें, राहुल ईट्स मैंगो। इसमें लिखा है राहुल क्या खाता है, आम खाता है। तो राहुल इट्स मैंगो, तो राहुल क्या है, सब्जेक्ट है। इट्स मैंगो क्या हो गया, एक प्रेडिकेट है। राहुल क्या है, सब्जेक्ट है, और इट्स मैंगो क्या है, प्रेडिकेट है। सो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, क्लॉज बोलते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कौन से कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये स्लाइड अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अभी हम लोगों ने पिछली साइड में ये सीखा है कि जो क्लॉज होता है वो होता है सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब का जहां पे कॉम्बिनेशन होगा वहां पे क्लॉज होता है। तो आइए कुछ एग्जांपल से और अच्छे से समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखना पहला क्या लिखा है, पहला लिखा है ही इज रोहन। तो इसमें कितने सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एस वन वी वन। तो यहाँ कितनी क्लॉज यूज हुई, एक क्लॉज। दूसरा एग्जाम्पल लिखा है ही इज रोहन सोहन्स ब्रदर, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, ठीक है। यहाँ पे कितनी क्लॉज यूज हुई, एक। फिर तीसरे में आते हैं, देखते हैं ही इज रोहन हु इज सोहन्स ब्रदर, इसमें कितने सब्जेक्ट यूज हुए, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। फिर जाते देखते हैं दूसरा सब्जेक्ट, इसमें टोटल और नंबर ऑफ क्लॉजेस कितने यूज हुए हैं, दो। यानी कि इसमें दो सब्जेक्ट हो गए एस वन एस टू और दो वर्ब हो गए वी वन और वी टू। तो इसमें कितने क्लॉज यूज हुए, दो। फिर तीसरा देखते हैं, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, दूसरा सब्जेक्ट दूसरा वर्ब और तीसरा सब्जेक्ट तीसरा वर्ब। इसमें कितनी क्लॉजेस यूज हुई, तीन। अब आपको इसमें देखना है कि एक सब्जेक्ट एक वर्ब, यहाँ पे एक सब्जेक्ट तो दूसरा सब्जेक्ट दूसरा वर्ब यहाँ पे, और लास्ट में तीसरा सब्जेक्ट और तीसरा वर्ब लास्ट में। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्लॉजेस कितने यूज हुई, तीन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जरूर पता चल गया होगा इतने वीडियो से कि आप क्लॉज में मतलब कैसे क्लॉज समझेंगे, किसमें कितनी क्लॉज हुई। यानी कि आपको क्लॉज में देखना ये है कि कितने सब्जेक्ट के साथ वर्ब आया है, सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्लॉज जानते हैं। आइए हम लोग सीखते हैं क्लॉजेस के टाइप। आइए हम लोग देखते हैं इसके टाइप के बारे में, क्लॉज का टाइप होता क्या देखते हैं। सबसे पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम लोग मेन क्लॉज बोलते हैं। जैसे कि आप इसका नाम सुनने होंगे, इसमें लिखा है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब ऐसी क्लॉज जो किसी पे डिपेंड ना हो, यानी कि जो एक्शन हो वो खुद में ही वो कंप्लीट हो। तो कंप्लीट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, उसे भी मेन क्लॉज भी बोलते हैं। तो मैं कहता हूं आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज और मेन क्लॉज समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं अगला कौन सा क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज मतलब ही होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब डिपेंडेंट क्लॉज उस क्लॉज को बोलते हैं जो दूसरे पे क्या होता है, डिपेंड होता है। डिपेंडेंट क्लॉज किस क्लॉज को बोलते हैं, ऐसी क्लॉज जो दूसरे पे डिपेंड होता है उसे डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। और क्लॉज मैंने भी बताया, क्लॉज होता है सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्लॉज बोलते हैं। आइए डिपेंडेंट क्लॉज के कुछ टाइप और हैं जिसको हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहला क्लॉज है नाउन क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज सबसे पहला क्लॉज कौन सा आता है, नाउन क्लॉज। दूसरा कौन सा आता है, एडजेक्टिव क्लॉज। और तीसरा कौन सा आता है, एडवर्ब क्लॉज। तो इन तीनों क्लॉजेस को हम लोग अच्छे से एक एक करके पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इन क्लॉजेस को हम लोग कैसे पहचानेंगे। इसे आप बहुत से बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है कि इसमें कहाँ पे नाउन क्लॉज यूज हुई, कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे नाउन क्लॉज यूज हुई, यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज यूज हुई और यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज यूज हुई। तो आप इसको एक बार लास्ट तक देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि इसमें नाउन क्लॉज यूज हुई। मैं इसमें से कुछ अच्छे अच्छे ट्रिक और तरीके आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट की, नाउन क्लॉज कैसे यूज पता चलेगा, एडजेक्टिव क्लॉज कैसे पता चलेगा और एडवर्ब क्लॉज कैसे पता चलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्लॉज नाउन क्लॉज को डिटेल में पढ़ते हैं।
आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं नाउन क्लॉज। आप लोग को नाउन क्लॉज समझने में प्रॉब्लम होती है, आप ये नहीं जान पाते हो कहाँ पे नाउन क्लॉज का यूज होता है, कहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज का यूज होता है, कहाँ पे एडवर्ब क्लॉज का यूज होता है। तो इस वीडियो में आपको आप जो मैं बताने जा रहा हूँ नाउन क्लॉज विद ट्रिक्स में आपको बताऊंगा कैसे कैसे किन किन वर्ड्स को आपको सिर्फ ध्यान रखना है। अगर ये वर्ड्स अगर किसी भी सेंटेंस में यूज होते हैं और सेंटेंस कैसा हो डिपेंड कर रहा हो एक दूसरे के ऊपर, तो कौन सा क्लॉज होगा? नाउन क्लॉज होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें देखिए नाउन क्लॉज क्या होता है, जहां पे व्हाट, व्हाट एवर, दैट, व्हिच और हाउ, कौन कौन से वर्ड आपको देखना है, व्हाट, व्हाट एवर, दैट, हु, व्हिच और हाउ, इन वर्ड्स का जहां पे भी सेंटेंस में यूज होगा वहां पे नाउन क्लॉज का है, तो नाउन क्लॉज होता है, यानी कि जहां पे इन वर्ड्स का यूज होगा वहां पे नाउन क्लॉज होगा। सबसे पहले इसमें है कैन यू गेस, गेस के बाद क्या आया, व्हाट आई हैव इन माई पॉकेट, क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि मेरी जेब में क्या है, तो इसलिए व्हाट यूज हुआ है, कौन सा क्लॉज होगा, नाउन क्लॉज होगा। दूसरा देखना है आई कैन डू, मैं कर सकता हूं क्या, वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू, जो मैं चाहता हूं, तो यहाँ पे कौन सा क्लॉज होगा, नाउन क्लॉज होगा। तीसरा देखते आई कैन टेल यू, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, फिर क्या आया, हाउ आया, हाउ क्या होगा, नाउन क्लॉज होगा। ही डज दिस मैजिक, क्या अगला देखते हैं हम लोग, ही वॉन्ट्स टू सी विच पेन यू चूज, वो देखना चाहता है फिर भी चाहे विच कौन सा क्लॉज होगा, नाउन क्लॉज, की कौन सा पेन आपने सेलेक्ट किया है। उम्मीद करता हूं आपको नाउन क्लॉज समझ में आ गया है। आपको ध्यान ये रखना है कि जो नाउन क्लॉज डिनोटिंग वर्ड्स हैं उन पे फोकस करना है, अगर उन वर्ड्स को आप फोकस करके एक बार देख लेंगे तो आपको नाउन क्लॉज पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। तो नाउन क्लॉज के लिए व्हाट, व्हाटएवर, दैट, हु, व्हिच और हाउ का यूज करेंगे वहां पे नाउन क्लॉज होता है। और यहाँ पे एक तरह सा आई कैन टेल यू हाउ ही डस मैजिक, तो यहाँ पे हाउ है, हाउ पे कौन सा नाउन क्लॉज होगा, हाउ मतलब कैसे उसने यह मैजिक किया है, यहाँ पे नाउन क्लॉज अच्छे समझ में आ गया होगा उम्मीद। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लॉज की ओर, तब तक के लिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। आइए हम लोग अगला टाइप पढ़ते हैं क्लॉज का। अगला टाइप है एडजेक्टिव टाइप। एडजेक्टिव टाइप में क्या होगा, एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज होता है रिलेटिव क्लॉज, यानी ऐसा क्लॉज जो क्या शो करे, पहले पार्ट के सेंटेंस का रिलेशन दूसरे पार्ट के सेंटेंस से शो करे, वहां पे एडजेक्टिव क्लॉज होती है, और एडजेक्टिव क्लॉज को हम लोग रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो इन क्लॉज में आएंगे, आपको ध्यान क्या देना है कि इन वर्ड्स में आएगा हु, हु के बाद आएगा होम, होम के बाद आएगा हुज, हुज के बाद आएगा वेयर, वेयर के बाद आएगा विच, विच के बाद आएगा दैट। पर ध्यान ये रखना है कि इन वर्ड्स का जो होगा यूज होगा एज अ रिलेटिव, यानी कि जहां पे रिलेशन शो होगा वहां पे एडजेक्टिव क्लॉज का यूज माना जाता है। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल के से समझते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखा वेयर इज द पेन, वह पेन कहाँ है, इसमें वर्ड है क्या, विच। अब इस पेन का जो रिलेशन है कि क्वालिटी क्या बताएगी कि वो वर्क नहीं करता है प्रॉपरली, तो यहाँ पे कौन सा क्लॉज होगा, एडजेक्टिव क्लॉज होगा। दूसरा क्या लिखा है, नितिन, नितिन हुज फादर पास्ड दिस मंथ इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। अब नितिन की कंडीशन क्या बताएगी, जिनके पिताजी इस वर्ष नहीं रहे हैं वो क्या है, ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो नितिन का रिलेशन यहाँ भी शो होगा, रिलेटिव वर्ड कौन सा यूज हुआ, हुज। फिर तीसरा देखते हैं आई हैव अ क्यूट टॉय That my father had gifted. अब मेरे पास कौन सा टॉय है, एक क्यूट टॉय है, और रिलेटिव कौन सा यूज हुआ, दैट यूज हुआ। अब इस टॉय का रिलेशन क्या है कि इसको किसने गिफ्ट किया था, मेरे पिताजी ने, तो यहाँ पे कौन सा होगा क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज होगा। दूसरा देखते लास्ट देखते हैं ही लव्स उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश की क्वालिटी क्या है, वेयर लगा दिया, प्लेस है, यहाँ पे कौन सा क्लॉज होगा, एडजेक्टिव क्लॉज होगा। ही लव्स उत्तर प्रदेश, वेयर, एडजेक्टिव क्लॉज। He was born and spent. He was born and spent his entire childhood. तो यहाँ पे क्या है, उत्तर प्रदेश की क्वालिटी क्या बताएगी कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्थान है, प्लेस की बात की गई, जहाँ पे उसका जन्म हुआ था और अपने पूरा बचपन उसने उत्तर प्रदेश में बिताया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एडजेक्टिव क्लास भी अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ, अगली स्लाइड में। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं लास्ट क्लॉज। लास्ट क्लॉज कौन सा है, एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज में क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज में जहाँ पे टाइम, प्लेस, कंडीशन, रीजन, पर्पस, रिजल्ट और कंपैरिजन, यानी टाइम समय की बात, प्लेस स्थान की बात, कंडीशन कोई शर्त रखी जाएगी, रीजन क्या होगा कोई कारण होगा, पर्पस भी होगा कोई कारण होगा, रिजल्ट बनता होगा कोई
परिणाम और कंपैरिजन मतलब होगा तुलना, यहाँ पे इन चीजों का यूज होगा, वहां पे एडवर्ब क्लास होती है। पहला एग्जांपल देखने, आई शैल कम वेयर एवर यू गो, तुम जहां जाओगे मैं वहां हूं, वेयर एवर आए यानी कि क्या कंडीशन दी गई, ही बिगेन टू स्टडी, उसने स्टडी स्टार्ट की कब, व्हेन, कंडीशन क्या है, व्हेन माय फादर स्कोल्डेड मी, जब मेरे पापा ने मुझे डांटा तो उसने स्टडी स्टार्ट, ठीक है। यू मे सिट, तुम यहां बैठ सकते हो, वेयर एवर, जहां तुम चाहो, यू वॉन्ट, यहां भी क्या है कंडीशन, द लॉयन इज ब्रेवर, लॉयन क्या होता है, बहादुर होता है, कहां पे, देन, देन मतलब फिर किसकी बात हुई, कंपेरिजन की, देन ऑल अदर एनिमल्स से ज्यादा क्या बहादुर होता है, लॉयन, ही सोल्ड हिज हाउस, उसने अपना घर बेच दिया, बिकॉज मतलब होगा कारण, क्यों बेचा है, क्योंकि ही नीडेड मनी, क्योंकि उसे क्या चाहिए था, मनी चाहिए था। तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त हुआ, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक का पहुंचाएं, लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इतना वीडियो देखने के लिए, लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। We'll be right back.